इत्तेहाद न्यूज़ को देखने से पहले सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। वैसे बंगाल चुनाव की सरगर्मियों का जिक्र हर जगह पर सुनने मिल रहा है। बेलगाम शहर में भी बंगाल चुनाव का जिक्र बेलगाम लोकसभा चुनाव के साथ होता देखा जा सकता है। ये भी बात मोदी भक्तों को माननी पड़ रही है कि मोदी शाह योगी सब पर ममता दीदी भारी पड़ सकती है। एग्जिट पोल में ममता बनर्जी की जीत बताई जा रही है। खैर, पर इन सबसे अहम चर्चा, अहम बहस मिथुन चक्रवर्ती की हो रही है। वैसा मिथुनदा का कोई खास असर रहा नहीं है, पर अचानक मिथुन जो कभी लेफ्टिस्ट हुआ करते थे अचानक राइट में कैसे आए, इसके पीछे कुछ साफियों ने तहकीक की तो यह अंदेशा जाहिर किया जा रहा है कि भाजपा में अक्सर लोग शामिल कैसे होते हैं, जबकि सभी को मालूम है कि धर्म जात पात हिंदू मुस्लिम की राजनीति ही इसका मरकजी नुक्ता रहता है। कभी आपको भाजपा किसी तरक्कियाती कामों पर चुनाव लड़ते नहीं देखा होगा। या मुल्क को किस तरह तरक्की की राह में गामजन किया जा सकता है, इस पर कभी सलाह मशवरा तबसरे करने में ये पार्टी दिलचस्पी नहीं रखती। लिहाजा भारत की तहजीब रही है कि एकता में अनेकता इसके बावजूद अपने तरफ माइल करने में कामयाब कैसे किया जाता है। तो हासिल इत्तला से यह मालूम हुआ और कई इल्मी दानिशोरों का कहना है कि साम दाम दंड भेद का तरीका यहाँ इस्तेमाल किया जाता है। कहते हैं भाजपा वॉशिंग मशीन की तरह है, कितने भी दागदार इसमें धुल कर सफेद पोष देशभक्त बन जाते हैं। अगर इसमें नहीं शामिल होते तो इन्हें पहले देश विरोधी फिर सरकारी मोकमाओं को पीछे लगाया जाता है, पुराने मुकदमे खोल दिए जाते हैं। आप खुद भी इसका जायजा ले सकते हैं। सिर्फ मोदी भक्त या भाजपा हिमायतों के घरों दफ्तरों पर ही छापे नहीं पड़ते। लिहाजा जब मिथुन चक्रवर्ती की बात हो रही है तो मिथुन ने कोबरा वाला डायलॉग मारा और यह डायलॉग मोदी की मौजूदगी में मारा। अब सवाल यह उठता है कि कोबरा बनकर डसता हूं तो सामने वाला तस्वीर बन जाता है, यानी किस कदर जहरीला है मिथुन चक्रवर्ती। खैर, यह बात उन्होंने ममता बनर्जी को कही होगी, पर सांप जहरीला और डसने की बात करने वाले मिथुन की ऐसी क्या मजबूरी थी जो भाजपा की हिमायत में जा बैठा। 70 साल की उम्र में मिथुन की इस हरकत पर अफसोस के साथ गुस्से का भी इजहार किया जा रहा है। वाजा रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी के सुभाष चक्रवर्ती मिथुन के बहुत करीबी थे और मिथुन के होटल में हमेशा रुकते थे। पहले कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत बंगाल में हुआ करती थी। आपको बता दें कि कई बार खुद को वामपंथी बताने वाले मिथुन ने कभी लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब मुखर्जी की हिमायत में इजलासों में शिरकत भी फरमाई थी। हालांकि साल 2021 में लेफ्ट की सरकार जाने के बाद उन्होंने टीएमसी का दामन थाम सियासी मैदान में सरगर्म हुए, लेकिन साल 2016 के आखिर में मिथुन ने राज्यसभा रुकनियत से इस्तीफा देकर सियासत से किनारा कशी कर लिया। जिस तृणमूल कांग्रेस को जहरीला कोबरा का डायलॉग मिथुन चक्रवर्ती ने मारा, इससे पहले इसी तृणमूल के कोटे पर राज्यसभा का सफर तक किया था। माना जाता है कि शारदा चिटफंड घोटाले के नाम आने के बाद मिथुन काफी परेशान हो गए। इस मामले में ईडी ने उनसे पूछताछ भी की थी। करीब 3 साल तक राज्यसभा रुकन रहने के दौरान वे महज 3 बार ही संसद पहुंचे थे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर टीएमसी की राज्यसभा की सदस्यता यानी कि मेंबरशिप बीच में ही छोड़ने वाले मिथुन को दोबारा राजनीति में यानी सियासत में आने और खेमा बदलने की जरूरत क्यों पड़ी। तृणमूल कांग्रेस के बुजुर्ग नेता सौगात राय ने मिथुन चक्रवर्ती के बीजेपी में शामिल होने पर कुछ उनकी मजबूरी की ओर इशारा किया। उन्होंने कहा कि अब मिथुन की कोई विश्वसनीयता नहीं है, ना ही आवाम में इनका कोई असर है। सौगात राय ने मीडिया से कहा कि मिथुन पहले स्टार थे लेकिन अब नहीं है, वह बुनियादी तौर पर नक्सली थे, वह सीपीएम में शामिल हुए, फिर टीएमसी में आ गए और राज्यसभा रुकन बन गए। बीजेपी ने उन्हें ईडी का डर दिखाया और फिर उन्होंने राज्यसभा छोड़ दिया, अब वह बीजेपी में शामिल हो गए। इस बात पर भी ताज्जुब का इजहार किया जा रहा है कि जब इन्हें कम्युनिस्ट पार्टी में मौका दिया तृणमूल में भी राज्यसभा तक पहुंचे, तब क्यों गरीबों की मदद नहीं की। अब भाजपा में आने के बाद एक बार फिर गरीबों की मदद की बात मिथुन की जानिब से बार बार कही जा रही है। इससे मिथुन चक्रवर्ती का जहनी दिवालिया ही कहा जा सकता है। ममता बनर्जी का किला भेदना भाजपा के लिए कोई आसान काम नहीं। अब तो हिंदुत्व के कार्ड को ही नंदीग्राम में तकरीबन 6-7 मिनट तक मुस्तकिल संस्कृत में मंत्र दोहराने के बाद खुद मोदी शाह को सर खुजाना पड़ रहा है, जो धर्म का कार्ड
भाजपा भारत के मुख्तलिफ जगहों पर खेल कामयाब हुई है, यह उनके लिए लोहे के चने चबाने के बराबर हो सकता है, ऐसा सियासी माहिरीन का कहना है। ममता बनर्जी हजारों के इजलास में मोदी शाह पर जो चाहे अल्फाजों के तीर चला रही है, झूठे मक्कार धोखेबाज तक मोदी शाह को कहते पीछे नहीं हटती। भाजपा को हर हाल में ममता बनर्जी के किले में सेंध करना है। मिथुन उर्फ कोबरा की आमद महज मजबूरी है, और वैसे भी इस चेहरे की अहमियत अब इंतहाई घट चुकी है और दल बदलते हुए बंगाल ने इन्हें बार बार देखा, लिहाजा इस कोबरा का असर नहीं होगा, इसी भी बात कही जा रही है। जो भी हो, दल बदलू कोबरा ममता बनर्जी का नुकसान नहीं पहुंचा सकता, ऐसा बंगाल में कहा जा रहा है। मिथुन का यह कदम इसकी गिरती साख को ही कलंकित कर रहा है। मकामी खबरों पर एक नजर। किसान एहतजाज आज भी पूरे मुल्क में जारी है। किसानों ने भाजपा मोदी हुकूमत को सियासी मैदान में शिकस्त देने का फैसला लिया है। पिछले कई महीनों से किसान एहतजाज जारी है और किसी तरह की कमी इसमें नहीं आई। किसान एहतजाज के लीडर जिसने मोदी हुकूमत की जड़ों को हिलाया वो राकेश सिंह टिकैत बेलगाम शहर को 31 मार्च को किसानों के इजलास से मुखातिब होने आ रहा है। किसान की मुखालफत वाले काले कानूनों को वापस लेने के लिए मुख्तलिफ रियासतों में जाकर किसान कैद राकेश सिंह टिकैत इजलासों में खिताब फरमाएंगे, लिहाजा इस ताल्लुक से राज्य रहित संघ के जिम्मेदारान ने डीसी बेलगाम को इत्तला फराम किया। हासिल इत्तला के मुताबिक मरकजी हुकूमत के मंजूर शुदा 3 काले कानूनों की मुखालफत में CPR मैदान में अवामी इजलास को किसान कैद राकेश सिंह टिकैत खिताब फरमाएंगे, लिहाजा कसीर तादाद में किसानों की इसमें शिरकत की गुजारिश राज्य रहित संघ और स्वाभिमानी शेतकरी संगठन ने दी है। बेलगाम में यह किसान इजलास आने वाले चुनाव में भाजपा के लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, ऐसा भी कयास लगाया जा रहा है। अब बेलगाम शहर को 24 घंटे पानी दिया जाएगा, लिहाजा 15 मार्च से LNT कंपनी को इसी की जिम्मेदारी सौंप दी गई। 24 घंटे पानी की मुहिम का इंतजार बेलगाम शहर की आवाम को काफी अरसे से रहा और कोशिश भी जारी थी। पहले 2006 में कर्नाटक वाटर सप्लाई सरकारी महकमा के जिम्मे तहत अंजाम दिया जा रहा था, इसके बाद 15 साल का वक्त गुजरा, अब निजी कंपनी को यह काम सौंपा गया। अब आने वाले 12 सालों के लिए LNT के जेर निगरानी काम को अंजाम दिया जाएगा। वैसे कॉरपोरेशन और वाटर सप्लाई के दरमियान इख्तलाफात की भी इत्तला हासिल हुई है। पहले 5 साल कामों को अंजाम दिया जाएगा और 7 साल तक देखभाल की जाएगी। वाजह है कि भाजपा हुकूमत तमाम महकमों का निजीकरण करने की मुहिम में लगी हुई है। वाटर, इलेक्ट्रिक, सड़क, रेल, रेलवे स्टेशन, हवाई अड्डे, ट्रांसपोर्ट, तमाम का निजीकरण अब हो चुका है। ये भी उतना ही अजीब है कि इतना सब होने के बावजूद तमाम आवाम खामोश है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा, देखते रहे इत्तेहाद न्यूज़। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।